सभी दर्शकों को पुरधाम की तरफ से शुभकामनाएं। और इस वक्त हम मौजूद हैं साध्वी जी के पास। यहाँ की काफ़ी कुछ हमारे यूट्यूबर भाई अफवाह उड़ाते हैं, साध्वी जी को पुलिस ले गई, धाम बंद हो गया, साध्वी चली गई। आज 6 तारीख है और अभी जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है और साध्वी जी हमारे साथ खड़ी है, आइए इनसे मिलवाते हैं ऐसी झूठी अफवाहों में ना आना। नमस्कार जी। आदेश जी। आदेश जी, साध्वी जी काफ़ी लोग कहते हैं हमारे यूट्यूबर भाई आज साध्वी जी को पुलिस लेगी, ये अफवाह क्यों उठाते हैं? तो आज 6 तारीख 9वां महीना 2022 है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। हाँ, सुबह धूणा चेतन किया है, बर्फ की तपस्या की है, अब फिर से धूणे में कोड़े डाल के आए हैं, जो जाड़े के लिए आए थे जाड़े के लिए दिए जनता ने, घी तेल डाल के आए हैं, तो फिर कहाँ से पुलिस लेगी मेरे को? मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। देखो जी, सामने खड़ी हो, उड़ान वाले जो वह मोदी की जिक्र उठाते ये उठाते रहेंगे, फिर भी हमारा पूछने का फर्ज है क्या ये बात हुआ कि हम सच है कि ना? ऐसा कुछ होता तो फिर मैं यहाँ थोड़ी होती, मैं तो थाने में होती, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ, जाड़े भी लगाए हैं मैंने और जनता भी आई है। और अगला नया प्रोग्राम क्या है जी? अगला नया प्रोग्राम ये है जी, परसों यानी कि 8 तारीख को 9वां महीना 2022 को पुरधाम में जागरण और भंडारा है। शाम 5 बजे भंडारा शुरू होगा और रात को 10 बजे रात जगनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। जो भी भगत यहाँ पहुँचना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, वो भगतपुर धाम आ सकता है और अपना भंडारे में शामिल हो, फिर जागरण में शामिल हो, ये बात मैं कहना चाहूँगी। जति गुरु गोरखनाथ के नाम से जागरण होगा और भंडारा शाम उसी दिन 8 तारीख को ही शाम 5 बजे भंडारा शुरू होगा। ये था भाई बिल्कुल यहाँ की ताज़ा रिपोर्ट और ताज़ा जो प्रोग्राम है साध्वी जी ने बताया। आदेश जी। आदेश जी।